सीएमएचओ डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव अपना कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में नजर आए और पहले दिन ही घाटी गांव के तमाम स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर उन्होंने स्टॉक रजिस्टर दवा वितरण एनआरसी की सफाई तथा समस्त स्टाफ की उपस्थिति को चेक किया। यहां सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह रही कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अपने नए साहब से संबंध सुधारने के लिए निजी होटल में उनके स्वागत के लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन किया था। डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित रहे लेकिन मंच से केवल दो लाइन बोलकर वहां से निकल गए। अब स्वास्थ्य कर्मचारियों को क्या पता था कि वह जिन नए साहब की आव भगत में लगे थे वह सब अब किसी लाग लपेट में नहीं आने वाले और वह शक्ति से स्वास्थ्य विभाग की लाचार व्यवस्थाओं में सुधार चाहते हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव को उन्होंने सीएमएचओ का पदभार संभालते ही अपनी प्राथमिकताएं हमारे साथ साझा की। सपने कुछ नहीं है, अपनी जो स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीणों की हैं उन पे मेन फोकस रहेगा। पहले तो जहाँ पे डिलीवरी नहीं हो रही है उनको डिलीवरी शुरू करवाना है, सीजन नहीं होना सीजन शुरू करवाना है ताकि मरीजों को परेशान न होना पड़े। और अपने जो सुविधाएं जिला अस्पताल और सिविल अस्पताल में हैं उनको देख और मजबूत करना है। डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव पहले दिन से ही सख्त अंदाज में नजर आ रहे हैं। उन्होंने बरई स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर वहां फार्मासिस्ट दवा वितरण में गड़बड़ और डॉक्टर अशोक राजदान को अनुपस्थित मिलने पर कारण बताओ नोटिस दिया है। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य महकमे को आगाह कर दिया है कि यदि कहीं कोई गड़बड़ पाई जाती है तो कर्मचारी सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें।